सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कहा कि खेत को खोदकर उसमें से खजाना निकाल लो। तो अगले दिन बंसी के तीनों बेटों ने खेत को खोदना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट डे ही उन्होंने खेत को खोदना शुरू कर दिया। उन्होंने सारा दिन बहुत मेहनत की। उन्होंने क्या किया, ऑल डे उनका स्पेंड हो गया, पूरा दिन उनका स्पेंड हो गया और पूरा दिन उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत हार्डवर्क की। देखिए बच्चों, उनको क्या है, हार्डवर्क। विदाउट एनी हार्डवर्क उनको चाहिए करके ही वो थे, राइट। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि उनको खजाना मिलने वाला है तो क्या किया, उन्होंने अपना फुल एनर्जी लगा दिया, फुल पावर लगा दिया और पूरी मेहनत की। ऑल डे उन्होंने फुल मेहनत की और उन्होंने पूरे खेत को खोद डाला, मगर खजाना कहीं नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया, पूरे खेत को खोद डाला कि हाँ हमें खजाना मिलेगा, हमें खजाना। तो इस लालच के साथ उन्होंने ढूंढना शुरू किया और पूरा खेत उन्होंने खोद दिया, लेकिन उनको खजाना नहीं मिला। उसके बाद क्या किया उन्होंने, वे मायूस हो गए, सैड हो गए। वे अपने पिता के पास आए और उनको बताया कि वे सब खजाना ढूंढने में असफल रहे हैं। तो वे एकदम सैड फेस के साथ अपने फादर, अपने पिता के पास आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पिता को बताया कि हाँ हम मॉर्निंग से हम खजाना ढूंढ रहे हैं, पूरा हार्डवर्क किया हमने, लेकिन हम खजाना ढूंढने में असफल रहे। असफल मीन्स हम नहीं ढूंढ पाए, ओके। उसके बाद क्या होता है, उनकी बात सुनकर पिता ने कहा, तो उन्होंने उनकी सारी बात सुनी, उन्होंने जो डेली जो एक्टिविटी हुई, पूरे डे की जो एक्टिविटी है उन्होंने अपने पिता को सुनाई और उन्होंने उनकी पूरी बात सुनकर क्या कहा, दुखी मत हो। क्या कहा, डोंट बी सैड, तुम दुखी मत हो, तुमने जिस खेत को खोदा है उसमें मक्का की बीज बो दो। तो उन्होंने क्या कहा कि तुमने जिस खेत को खोदा है, तुमने जिस खेत को खोदा है उस खेत के अंदर तुम मक्का के बीज बो दो। मक्का क्या है, वो एक प्रकार की फसल है, ठीक है। तो उसके बीज उसके अंदर बोने के लिए बोल रहे हैं। आई थिंक आप लोग लाइटली गेस कर चुके हो कि एक्चुअली खजाना क्या है, एक्चुअली उसके पिताजी क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आगे देखते हैं, पिता की बात मानकर उन्होंने खेत में मक्का के बीज बो दिए। तो जैसे ही उनके पिताजी ने कहा कि खेत में मक्के की बीज बो दो, तो उन्होंने अपने पिताजी की बात मान ली और क्या किया, खेत में मक्का का बीज बो दिया। और फिर भाग्य से उस साल अच्छी बारिश हुई। सो भाग्य से, भाग्य मतलब किस्मत से, उस टाइम क्या हुआ, उस साल उस वर्ष क्या हुआ, अच्छी बारिश हुई। देखो बारिश अगर अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होती है, लेकिन अगर अनलिमिटेड बारिश हो, जब बारिश बाढ़ का रूप ले ले तो फसल बिगड़ जाती है और किसान को बहुत ही ज्यादा लॉस होता है। और क्या होता है,
जो मार्केट में है जो धान का प्राइस होता है ना वो भी इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज अगर धान नहीं आएगा तो ये जो मार्केटिंग वाले हैं, मार्केट वाले हैं, वो क्या बेचेंगे, है ना, उनको भी अपना प्रॉफिट बनाना है। तो इससे क्या होगा, जो धान की जो वैल्यू है, जो कीमत है, जो प्राइस है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। वो तो इंक्रीज होगा, उनको तो कैसे भी उनका नफा मिल जाएगा, लेकिन जो किसान है उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी, तो वे कुछ भी कमा नहीं सकते, उनके पास बहुत ही हैवी लॉस हो जाता है अगर कभी कभी ऐसे बारिश बाढ़ का रूप ले लेती है। चलिए उसके बाद, तो उस टाइम क्या हुआ, बारिश भी बहुत अच्छी हुई थी, तो अगर अच्छी बारिश होगी तो फसल भी अच्छी ही होगी, राइट, अच्छी तरीके से पकेगी, राइट। तो मक्का की फसल पक गई, पक गई मतलब अभी उसमें से हम निकाल सकते हैं धान, ओके। खेत मक्का की भरपूर फसल से बड़ा ही सुंदर दिखता था, तो चारों तरफ, जब खेत के चारों तरफ भरपूर फसल हो तो वो कैसे दिख रहा था, बहुत ही सुंदर, है ना, जब हरा भरा खेत हो, वहां की फसल हो, तो ये नजारा बहुत ही सुंदर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का सुंदर नजारा था। तीनों भाइयों ने गर्व के साथ खेत को अपने पिता को दिखाया, तो जब उन्होंने, वो तीनों भाई ने मिलकर किया, राइट, उन्होंने, तीनों भाइयों ने मिलकर अपने हार्ड वर्क से इस खेत की फसल को उगाया, है ना, कौन सी फसल उगाई, मक्का की फसल उगाई। तो हार्ड वर्क करके, जब अभी जब हम बहुत कुछ अच्छा काम करते हैं और हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि हाँ आई हैव डन दिस, मैंने ये किया, या एग्जाम में कुछ अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, या हमें टीचर किसी सब्जेक्ट के लिए अप्रिशिएट करती है, किसी वर्क के लिए अप्रिशिएट करती है, तो हम कैसे, हम अपने पेरेंट्स को बोलते मम्मी मैंने ये किया, तो उस टाइम हमारे अंदर क्या फीलिंग होती है, एक प्राउड फीलिंग होती है कि यस मैंने ये किया, कितना अच्छा काम किया, तो इस टाइप की प्राउड फीलिंग हमारे अंदर होती है, राइट। तो उसी टाइप की प्राउड फीलिंग उन तीनों भाइयों के अंदर थी, क्यों, क्योंकि उन्होंने हार्डवर्क किया और उस हार्डवर्क का नतीजा भी बहुत ही अच्छा निकला, फसल से वो खेत एकदम भरपूर हो गया था और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो जब उन्होंने अपने पिता को ये खेत दिखाया तो उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हुआ था, ओके। उसके बाद पिता ने कहा, कितनी अच्छी फसल है, पिता ने क्या कहा, कितनी अच्छी फसल है, यही वह खजाना है जिसे मैं तुम सब में बांटना चाहता था। तो अभी आपको समझ में आया उनकी क्या तरकीब थी, कि एटलीस्ट खजाना पाने के बहाने तो वो हार्डवर्क करेंगे और खेत को खोदेंगे, तो मैं इन मीन्स उस इच्छा के साथ मैं इनसे ये, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।